बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव है। इसमें बेटा जी हमने जो फाइंड आउट करना है वो के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। उसने ये कहा ये जो पॉइंट है हमारे पास टू के, ये इक्वल डिस्टेंस आ रहा फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1। हम इसका जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा, तो सोल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, हमारे पास गिवन पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, एक में पी पॉइंट ले लेता हूँ जो कि टू और के है, एक में ए पॉइंट ले लेता हूँ बेटा 3, 7 है, और एक हम यहाँ पे क्या पॉइंट ले लेंगे, बी पॉइंट ले लेंगे बेटा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब बेटा चूंकि हमें ये पता है ये जो पी है इसका डिस्टेंस ए से और इसी का डिस्टेंस बी से बेटा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम जब इसको प्रूफ करेंगे इसका मतलब ये हुआ पी ए इज इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा, पी बी, इन दोनों का डिस्टेंस बेटा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम सबसे पहले पी ए के पॉइंट्स देख लेते हैं, वो पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेंगे, और पी बी के भी पॉइंट्स हम ज़रा देख लेंगे वो हमारे पास क्या आते हैं, ठीक है बेटा। ये बेटा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 7 का होल स्क्वायर बेटा यहाँ पे स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू बेटा इसी तरह पी बी क्या आएगा, 2 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर और बेटा यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो 2 माइनस 1 हमने किया तो बेटा जी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस के माइनस 7 का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है बेटा, हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ बन गई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 9 करेंगे तो अंडरस्टूड है हमारे पास बेटा माइनस 7 का स्क्वायर बचेगा, रिमेनिंग रह गया और प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया बेटा ऊपर, ये यहाँ पे स्क्वायर आएगा हमारे पास, तो बेटा हम इसके स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बेटा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड बेटा, तो बेटा माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज, चलो ये एक स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं कि माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, बेटा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव 1, इसका बेटा हम स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, के स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 के बेटा इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे 49 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के बेटा आ गया, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखो बेटा ये के स्क्वायर और ये के स्क्वायर ये तो दोनों आपस में हो जाएंगे सीधे सीधे कैंसिल, ठीक है बेटा, तो 49 प्लस 50 है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 49 प्लस 50, अब ये हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्चुअली में 2k है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो बेटा जी 1 प्लस 49 माइनस 14k प्लस 2k इज़ इक्वल टू बेटा 15 है, यहाँ पे प्लस 50 है तो इधर आके भी माइनस 50 हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो बेटा ये माइनस 12k हमारे पास यहाँ पे आंसर, माइनस 12k इज इक्वल टू 0, तो बेटा k का भी आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आया, फाइनल आंसर 0 आ गया बेटा, दिस इज़ द फाइनल आंसर बेटा, और क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया।